हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, इसके ऊपर के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। सी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, आपको पॉइंट का नाम दिया है ए और उसका पोजीशन वेक्टर दिया है स्मॉल ए। फ्रॉम द प्लेन R डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये छोटा पी है, इज गिवन बाय, क्या गिवन है, दैट इज अ मॉड ऑफ पी माइनस अगेन मॉड ऑफ ए डॉट एन कैप। ए वेक्टर डॉट एन कैप, इसको दोबारा मॉड दिया और फिर बाहर दूसरा मॉड, मतलब आंसर अगर निगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हम लोग पॉजिटिव करके लेते हैं, निगेटिव आया तो भी वो दैट इज अ फिजिकल डिस्टेंस। ओके, बट ध्यान में इतना ही रखना इस टाइप की प्रॉब्लम में, फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन मस्ट बी इन नॉर्मल फॉर्म। ये वाली बात जरा समझ लेना, वो नॉर्मल फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, राइट। नहीं तो हम लोग उसको पी ऑपरेटर नहीं कर सकते, बस इतनी बात ध्यान में रखो, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब वो पॉइंट का प्लेन के साथ का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ऐसा पेपर में पूछा तो आप इक्वेशन ध्यान में रखना, पी माइनस मॉड ऑफ ए डॉट एन कैप, बराबर है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसका क्या लेना है, दैट इज नथिंग बट मॉड लेने का है। हम प्रॉब्लम्स को जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके प्रॉब्लम हमको कैसे सॉल्व करने है, राइट। सो स्टार्ट विथ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम को जाएंगे, तो यहां पे देखो प्रॉब्लम को जब हम जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाँ ठीक, एक मिनट जरा ऐसा यहां पे ये बढ़िया काम है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्या पॉइंट है, फोर आई कैप, ये आपको पॉइंट दिया है, फ्रॉम द प्लेन वो दिया है, ये प्लेन का इक्वेशन दिया है और ये पॉइंट का इक्वेशन दिया है, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं एज वी नो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, फ्रॉम द प्लेन इज गिवन बाय, और आपको मालूम है वो डिस्टेंस कैसा निकालते हैं, पहले हम लेंगे मैग्नीट्यूड, फिर यहां पे लिखेंगे हम पी माइनस, फिर दोबारा मैग्नीट्यूड, और क्या लिखेंगे हम यहां पे, दैट इज ए डॉट एन कैप, और फिर ये मैग्नीट्यूड क्लोज, बराबर है। फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको ऑपरेट कैसे करना है। नाउ आपको मालूम है प्लेन का इक्वेशन कौन से फॉर्म में लेना है, नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन अपने को लेना है, ओके। सो यहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्या है, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया तो वो क्या हो गया, ए नथिंग बट फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, सही। और आपको ये क्या दिया है, वो एन वेक्टर है ना, वो क्या दिया है, एन वेक्टर, क्या दिया है, माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, आर यू गेटिंग इट आर नॉट, समझ में आया। अब देखो ये एन वेक्टर आपको दिया है और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर हमको बना के लेना पड़ेगा, सो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, सी अंडर रूट ऑफ माइनस टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, माइनस टू का स्क्वायर फोर, मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर आया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ नाइन, सो ये हो गया थ्री, बराबर है। सो देयरफॉर द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म of equation of plane, normal form of equation of plane is, अब आपको मालूम है क्या form है, r dot n cap is equal to what, p, और n cap अगर basically हम बात करते हैं n cap की
तो आपको मालूम है एनकैप क्या लिखते हैं हम, एनकैप बोले तो एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। आर यू गेटिंग इट आर नॉट? नथिंग बट ये जो आपका प्लेन का इक्वेशन है उसका नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगा, देखो आर डॉट माइनस टू आई कैप बराबर है प्लस जे कैप माइनस टू के कैप बराबर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री। तो ये एन कैप बन गया अभी, और आपको नॉर्मल फॉर्म बनाने का तो उसको भी अपने को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा उधर थ्री से, बराबर है। नाउ दिस इज इन द फॉर्म एंड देयरफॉर इट इज इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो मेरी पी की वैल्यू कितनी हो गई देखो, थ्री टू जा सिक्स बराबर है। सो अपना आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, सो माइन पी वैल्यू वर्कआउट टू वॉट टू। तो अपना अभी पी का वैल्यू आया टू, क्योंकि ये गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन को हमने नॉर्मल फॉर्म करके लेना चाहिए, तभी ये जाके आपका काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करता। समझ में आया क्या? सो हमने अभी ये इसको छोटा पी से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट टू। अब ये इक्वेशन में आपको ये तो मिला टू है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट एन कैप को पहले ऑपरेट कर लेंगे, ए डॉट एन कैप। ये पी कैसे निकाला समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा ए वेक्टर तो हमने नीचे डिफाइन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी जगह को क्रिएट कर, जगह अगर निकल गई तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा जगह क्रिएट करेंगे। वाओ बढ़िया, सी नाउ अब देखो यहां पे कैसे सॉल्व करना है। अब हम ये वाला ऑपरेट कर लेंगे अगेन, पहले क्या करो हम ये ऑपरेट करेंगे तो कैसा करेंगे, ए डॉट एन कैप। ए वेक्टर तो हमने पहले डिफाइन किया है, क्या है वो एक वेक्टर, फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, सही है, डॉट एन कैप। अभी हमने एन कैप बनाया ना, एन कैप इज नथिंग बट डिवाइड एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। हमारा जो एन वेक्टर है वो ये है, नथिंग बट डिवाइड माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप एंड डिवाइडेड बाय व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, वो हमने लिखा नथिंग बट ये वाला, ये एन कैप ही है ना, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू बी, सही। अब देखो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे हम, ए डॉट एन कैप वन बाय थ्री को थोड़ा बाजू में ले लो और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई ने आई को मल्टीप्लाई करो, दैट टू माइनस एट, फोर टू जा माइनस एट, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन माइनस थ्री, वेरी गुड, टू टू जा माइनस फोर। और अगर आप इसको ऑपरेट करते हो तो ए डॉट एन कैप क्या आया, सी आठ माइनस एट और माइनस फोर माइनस ट्वेल्व और माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन एंड दैट टू डिवाइडेड बाय थ्री, इज इट माइनस फाइव, ए वेक्टर डॉट एन कैप वेक्टर आया माइनस फाइव। आपको मालूम है इसको क्या है, मॉड, एंड देयरफॉर मॉड ऑफ ए डॉट एन कैप इज नथिंग बट माइनस फाइव। मॉड निकाल देंगे तो कितना आएगा, सो ए डॉट एन कैप वर्कआउट टू फाइव। आर यू गेटिंग इट आर नॉट? आपको ए डॉट एन कैप मिला फाइव, ये वाली वैल्यू मिल गई, पी के वैल्यू हमने पहले वर्कआउट की है, बराबर है। एंड देयरफॉर थोड़ा सा मैं नीचे मिटा दूं, अभी अपने को यहां पे नॉर्मल फॉर्म लेके हमने पहले पी बना के रेडी करके रखा था, सो अभी हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, and therefore required distance is equal to half। देखो अभी आपको p का वैल्यू मालूम है भाई 2 है, राइट, माइनस ये वाला वैल्यू ऑपरेट करके हमने लाया 5, फाइव आया ना, अभी हमने ऑपरेट कर लिया ना वो, तो मैंने कैसे ऑपरेट किया, a डॉट n क्या माइनस फाइव है, मॉड लिया तो मॉड निकाल के बाद दैट बिकम पॉजिटिव, और ये आंसर कितना है 2 माइनस 3 बट मॉड है, तो दैट वर्कआउट्स टू माइनस थ्री, बट मॉड निकालने के बाद कितना होता, सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम प्लेन, सो दैट रिक्वायर्ड डिस्टेंस वर्कआउट्स टू हाउ मच,
एंड देयरफॉर चाहिए तो मैं पूरा लिखू, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, मॉड निकालो डायरेक्टली व्हाट, 3 यूनिट्स। आपको बात समझ में आई क्या हमने ये कैसे वर्कआउट किया है? नो प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 3 यूनिट। यही आपका छोटा सा आंसर है, मतलब पॉइंट जो आपको दिया है उसका डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन से निकालना है। तो क्या समझ में आना चाहिए आपको? अरे भाई वो प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्मल है, नॉर्मल फॉर्मल लेने के लिए क्या आर डॉट एन कैप देन इक्वल टू हम बोल सकते हैं स्मॉल पी, बराबर है। आपको प्रॉब्लम में जो दिया गया था वो एन वेक्टर था, तो आपने उसको मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर निकालो, फिर एन कैप कैसे बनाएंगे? एन कैप इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, उससे मिलेगा एन कैप। कंपेयर करो दोनों तरफ, हमने उसको डिवाइड किया तो पी मिला 2, एंड देन ए वेक्टर कौन से पॉइंट है वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इनटू एन कैप, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो, मॉड ले लो, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। सो ये फ्लो चार्ट जब हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना तब आपको तुरंत याद आना या तुरंत आपके दिमाग में वो क्लिक होना, उसके लिए प्रैक्टिस होना। एक भी प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आप ये कंसेप्ट लगा के आराम से कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का सॉल्व कर सकते हैं, चलेगा? सो ये बात ध्यान में रखना। तो विद दिस ये वाला पॉइंट हम लोग कंक्लूड करते हैं, ध्यान से एक बार देख लो तो हो जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करो, कॉमेंट दे दो, लाइक करो, राइट। हम लोग कंटिन्यूअसली इसके ऊपर वीडियोज पुट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, करेक्ट, जो आपको मिलते रहेंगे सब्सक्राइब किया तो, और हायर क्लास के वीडियो भी आपको मिलेंगे, सो दैट हम लॉन्ग जर्नी के लिए मिलेंगे, राइट, फ्रॉम यूर 11th 12th दैट टू फॉर सीईटी और जेडब्ल्यू एंड देन डायरेक्टली इंजीनियरिंग ऑल्सो, राइट। सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, चलेगा? थैंक यू।